आप सभी का हमारे YouTube चैनल माइटी माइंड क्लास में स्वागत है और हम लोग PCS की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, अभी जो हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्रदान किए गए हैं उसके विषय में हम लोग एक संक्षिप्त चर्चा करने वाले हैं और निश्चित रूप से ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं 58 किस पुरस्कार की बात करेंगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार और इसके साथ साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा कि जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ज्ञानपीठ संगठन की उनका नाम आपको याद रखना है। तो प्रतिभा दे उनका नाम है जो वर्तमान में ज्ञानपीठ संगठन की अध्यक्ष है। अब ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ये जो दिया जाता है ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और इसके साथ साथ जो हमारी आठवीं अनुसूची में कुल भाषाएं 22 है तो उसमें से किसी भाषा के लिए, तो भाषा के लिए हम लोग क्या याद रखेंगे कि आठवीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं प्लस यहां ये भी याद कर दिएगा कि अंग्रेजी भाषा में भी जो अच्छा योगदान करते हैं, तो इस तरह से कुल भाषाओं की संख्या क्या हो जाएगी तो 23 हो जाएगी। तो 22 आठवीं अनुसूची की और एक अंग्रेजी के क्षेत्र की, तो कुल इस तरह से 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किसे दिया गया है, तो इससे आप लोग याद करेंगे कि ये दो लोगों को दिया गया है। तो सबसे पहले एक लोगों को दिया गया है संस्कृत भाषा के लिए और दूसरे लोगों को दिया गया है उर्दू भाषा के लिए, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं संस्कृत भाषा के लिए किसे दिया गया है, तो श्री राम भद्राचार्य इन्हें यह पुरस्कार मिला है संस्कृत भाषा के लिए। और इनके लिए कहा जाता है कि जो 22 भाषाएं वो सब इन्हें बोली आती है और उसके साथ साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद रखेंगे। उर्दू के लिए बात करें तो ये किसे दिया गया है, तो ये गुलजार साहब को दिया गया है। इस तरह से 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया गया, किसे दिया गया, दोनों ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया था दामोदर मौजे को। और ये किस भाषा के लिए दिया गया था, तो ये दिया गया था कोकड़ी भाषा के लिए, इन्हें भी आप लोग याद रखेंगे। अब कुछ बेसिक जानकारी के साथ हम लोग बताएंगे कि जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो ये मिला था शंकर जी कुरुप को, इन्हें पहला मिला था। भाषा पूछ दे तो किस भाषा के लिए मिला था, तो मलयालम भाषा के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। तो ध्यान दीजिएगा जिस तरह से 58वां इंपॉर्टेंट है, 57वां इंपॉर्टेंट है, तो पहला भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। भाषा भी लिख दिया गया है कौन सी भाषा है, और अगर ये पूछ दिया जाए कि जितनी भाषाएं हैं इनमें से सबसे अधिक किस भाषा के लिए मिला है अब तक, तो सबसे अधिक आप लोग याद करेंगे कि अब तक सबसे अधिक हिंदी भाषा के लिए मिला है। और वो प्रथम व्यक्ति जिन्हें हिंदी भाषा के लिए ये साहित्य सम्मान दिया गया, तो क्या नाम याद रखेंगे आप, सुमित्रानंदन पंत जी का नाम
आप लोग याद रखेंगे, अगर पुस्तक कभी पूछ दे किस पुस्तक के लिए ये पुरस्कार मिला, तो ये पुरस्कार मिला था इनको चिदंबरा पुस्तक के लिए। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में किसे मिला है, तो सुमित्रानंदन पंत जी को मिला है। किस पुस्तक के लिए मिला है, तो चिदंबरा पुस्तक के लिए मिला है। अब बात करें प्रथम महिला की, कि प्रथम महिला कौन थी जिसे ये सम्मान दिया गया, तो आप लोग नाम याद रखेंगे कि आशा पूर्ण देवी जी का। कि प्रथम महिला जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आशा पूर्ण देवी जी को सम्मानित किया गया। और अगर ये पूछे कि अंग्रेजी भाषा के लिए पहला पुरस्कार, अंग्रेजी भाषा के लिए ये पहला पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था अमिताभ राव घोष को। ये आप लोग याद रखेंगे। तो हमने हिंदी को भी डिस्कस कर दिया, प्रथम महिला को भी डिस्कस कर दिया, अंग्रेजी भाषा के लिए भी डिस्कस कर दिया, और उसके साथ साथ ये पूछ दे कि प्रारंभ में जो इसकी राशि थी कितनी थी, तो सबसे पहले ये एक लाख था। अब वर्तमान में कितना हो गया है, तो वर्तमान में इसकी राशि 11 लाख हो गई है। तो ये थी हमारी ज्ञानपीठ पुरस्कार 58 57। और उसके साथ साथ ढेर सारी जानकारी, और मुझे उम्मीद है ये कुछ मिनट का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इस चैनल को सहयोग प्रदान करते हुए धन्यवाद।